जबकि इसकी नौकरी लगी थी लंदन में भी, लंदन में नौकरी लगी जी, उसको छोड़ दिया गया। क्यों? 17 लाख, 17 लाख रुपए वार्षिक, वार्षिक वार्षिक मतलब बड़े भावुक हो गए थे। क्यों भावुक हुए थे आप? लोगों के ताना से हम बहुत परेशान, ताना मारते थे कि केवल भोपाल पटना ही करते रह जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, देख लो इतना साल से बैठा हुआ है, ये है वो है। अच्छा, लंदन में किस प्रकार की जॉब थी, कौन सी जॉब करते थे? एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के रिजल्ट में बिहार के लाल ने जो है बाजी मारी और 5वां स्थान हासिल किया। जी हाँ, ये हमारे साथ सिद्धांत है, और जब श्रेणी जारी हुई इसके बाद रिजल्ट जारी हुआ तो इनका 5वां स्थान पूरे बिहार में था, 685 में से 5वां स्थान आपका ही था। हाँ हाँ, मेरा ही था। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के लाल ने कहीं से कोचिंग नहीं किया, ना किसी बड़े कोचिंग संस्थान से पढ़ाई किया, बल्कि सेल्फ स्टडी के दम पे आत्मनिर्भरता के ऊपर जो है ये मुकाम हासिल किया। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। हाँ बिल्कुल सत्य, किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान का आपने संरक्षण नहीं लिया, निसंदेह कोई कुछ नहीं लिया। इनके पिताजी हैं, इनके चाचा जी हैं, जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उम्मीद जताया कि आने वाले समय में बेटा उम्मीदों पर खरा उतरेगा और कुछ ऐसा करेगा जिससे देश का, समाज का, माता पिता का नाम रोशन होगा। और पहले ही प्रयास में बेटे ने वो कारनामा कर दिया जो कारनामा बड़े बड़े स्टूडेंट करना चाहते हैं। क्यों सर? हाँ ये तो सही। क्या करते हैं आप? दुकान है हार्डवेयर की, हार्डवेयर की दुकान है। और पैतृक निवास आपका बक्सर में है लेकिन आप पटना रहते हैं? हाँ, मेरा गांव मझरिया है, बहुत पहले दादा लोग वहीं रहते थे, तो यहाँ क्यों चले के पटना आ गए? क्योंकि यहीं से हम पढ़े थे तो यहीं पे अपना बस ही गए हम सीधे। अच्छा, यहीं पर जो है? हाँ, यहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा, यहीं से सब शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं हुआ। अच्छा, गाँव में होता एक माहौल होता है कि जो है जो जैसा है उसका बेटा वैसा ही बनेगा, यानी किसान का बेटा किसान ही बनेगा, ये परंपरा चलती आ रही है। लेकिन अब आधुनिक युग में एक परंपरा बदल गई है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वही बनेगा। आपको उम्मीद था कि आपका बेटा उस लायक है कि जो है आगे चल के बड़ा अधिकारी कर्मचारी बन सकता है? पहले ही से हम उम्मीद किए थे, अभी तो इसको क्यूसेट में भेजे थे, क्यूसेट कोचिंग में वहीं पढ़ा। हाँ। और वहीं से इसको मोटिवेट करते चले गए कि बेटा तुम कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ये जबकि इसकी नौकरी लगी थी लंदन में भी, लंदन में नौकरी लगी जी, उसको छोड़ दिया गया। क्यों? लंदन में कैसे नौकरी? प्राइवेट नौकरी, वहीं से सिलेक्शन हो गया था, कोचिंग से इसका सिलेक्शन। कितना साल था? क्या पता 12-13 क्या ऐसे था। इंडियन रुपीज में 17 लाख थे, वैसे पाउंड्स में थे वो 70 लाख रुपए, 17 लाख रुपए वार्षिक, वार्षिक वार्षिक मतलब ये 17 लाख रुपए वार्षिक था। उसको आपने ठोकर लगा के जो है ठोकर मार के यहां भारत के लिए काम करने की इच्छा। जी 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 जी। अच्छा, आपका एक सोशल मीडिया पर बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बड़े भावुक हो गए थे, क्यों भावुक हुए थे आप? लोगों के ताना से हम बहुत परेशान। ये कौन लोग थे जो समाज के कौन से ठेकेदार थे जो ताना मारते थे और क्या कहते थे आप? बस ये अगल बगल वाले। क्या अगल बगल वाले ताना मारते थे कि केवल भोपाल पटना ही करते रह जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, देख लो इतना साल से बैठा हुआ है, ये है वो है, ये कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही रहेगा, दुकान में ही बैठेगा। लेकिन हम ये चाहते नहीं थे कि दुकान में कभी बैठे, आज तक इसको दुकान में बैठाया भी नहीं है हम कभी। अपने माल पर आपको गर्व था, विश्वास था, अपने पुत्र पर विश्वास था, उसकी बुलंदियों पर विश्वास था, उसकी सोच पर विश्वास था, और यही कारण है कि बाप के सपनों पर बेटे ने खरा उतरने का प्रयास किया, और यही कारण है कि उनके सपनों को साकार करने में अपना अहम योगदान दिया, और आज ये जो है बीपीएससी टॉपर बन गए, वो भी 100 से ऊपर, 110, 111, 120 और 670 रैंक नहीं बल्कि 5वां स्थान पूरे बिहार में, और ये कोई कोई कर पाता है। क्यों सर? जी हाँ बिल्कुल, पिताजी ने बड़ा सपना देखा था, इनको ताने भी सुनने पड़े थे कि यही दुकान में इधर उधर भोपाल, कर्नाटक, दिल्ली, मुखर्जी नगर, लेकिन आज बाप का इंच ना जो है 56 इंच का हो गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। हो गया सर? हाँ अभी नहीं, अभी यूपीएससी निकाल ले, क्योंकि ये तो अभी कितने इंच का है? अभी तो 56 से ज्यादा होगा। हाँ। 66 हो गया होगा। अब गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे जो ताना मार रहे थे? वो तो खुद देख लिए ना, वो तो खुद देख लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, अपने आप। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, लोग तो कहेंगे। इनको यही समझाते थे हम। हाँ। इनको हमेशा यही समझाते थे कि लोग तो कहेगा, इसके चलते ये भाग के भोपाल चले गए पढ़ने के लिए कि यहाँ के लोग बहुत बोलते हैं हमको, हम नहीं रह पाएंगे। और ग्रामीण परिवेश में ये ज्यादा होता है, ये भी ग्रामीण हो गया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश में ज्यादा होता है कि जब बेटा इधर उधर बैग लेके भटकता है, ट्रेन पकड़ कर दूसरे बड़े शहरों में, महानगरों में तैयारी करने के लिए जाता है, तो वही गांव वाले लोग जो है हाथ देने के बजाय, वही पटीदार और पड़ोसी हाथ देने के बजाय पैर जो है हाथ खींचते हैं, पैर खींचते हैं और कहते हैं कि बेटा जो है कुछ नहीं कर पाएगा, भोपाल और दिल्ली करता नजर आएगा, भोपाल और पटना करते रह जाएगा बस। लेकिन अब तो परचम लहरा दिया बेटे ने। हाँ, तो उनका मुंह खुद बंद हो गया ना, अब हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, लंदन में किस
प्रकार की जॉब थी, कौन सी जॉब करते थे? एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब लगी थी। तो इतना अच्छा बढ़िया सा सैलरी था 17 लाख रुपए जो सालाना था, फिर भी इसमें संतुष्टि कहे नहीं मिला, कहे छोड़ दिए उसको? देखिए वो जो जीवन है वो बहुत सॉलिट्यूड लाइफ है, आपको अकेले जीनी पड़ती है, समाज के लिए आप कुछ दूर से कर नहीं पाते, और सबसे बड़ी बात है कि वतन में रहकर वतन के लिए करना एक अलग ही फीलिंग होती है, देश की सेवा करना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब यही ध्येय रहेगा या देश की सेवा बाद में, पहले अपनी सेवा फिर हमें मिलेगा मेवा? नहीं नहीं नहीं, ये अपनी सेवा तो दूर की बात है, हमारी जॉब रहती है पब्लिक सर्वेंट की, और पब्लिक सर्वेंट का मतलब है जनता का सेवक, तो हमारी सेवा बाद में और पहले जनता की सेवा। बिहार के लाल ने सपना देखा देश की सेवा करने का, और लंदन की नौकरी ठुकरा के, 17 लाख की नौकरी वार्षिक की ठुकरा के जो है देश की सेवा करने का सपना देखा, और जो है उस सपने पर खरा उतरने का प्रयास किया, और यही कारण है कि आज पूरे बिहार में इनका जिक्र हो रहा है, पूरे बिहार में इनका नाम हो रहा है, पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है, और चाचा जी भी हैं जो ये भी क्या योगदान रहा इनका जो है, क्या करते थे इनके लिए, क्या योगदान था आपका? यही तो मेरा शेर है। शेर? जी हाँ। कौन, बब्बर शेर या कौन सा शेर? बब्बर शेर है ये। हाँ। गर्व हो रहा है बहुत ज्यादा, चाचा भतीजे की जोड़ी लग रहा है कि एक है, मिसाल पेश कर रही है, पुराना है। अच्छा, कई परिवारों में होता है जब भतीजा कुछ अलग कर जाता था चाचा जी का मुंह इधर चला जाता है, लेकिन चाचा और भतीजा ये सब जगह नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो कहीं 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 होता होगा, यहाँ नहीं होता है। खुश है? बहुत ज्यादा खुश है। अब कह रहे हम तो IAS आगे बनेंगे, तो उम्मीद है 100%। ये बेटा इतना दूर तक आया, आगे भी जाएगा। अच्छा चाचा, जो है एक होता है ना कि होनहार वीरवान के होत चीखने पाते, शुरू से ही जो है पता चल जाता है कि ये बच्चा कुछ अलग करेगा, ये देखने को मिला था शुरू से? हाँ, शुरू से बचपन से ही, 5 क्लास के बाद ही इसका स्पीड पकड़ लिया था, 5वीं के बाद तभी हम समझ गए कि लड़का कुछ करेगा, इसको दुकान पे नहीं रखना, इसको कुछ करना। मतलब पहले शुरू में सोच रहे थे कि होता तो यही है ना कि जो बाप कर रहा वही बेटा करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसने 5वां क्लास के बाद ही हमको अनुभव करा दिया था कि नहीं, हम कुछ और के लिए बने हैं, इसके लिए नहीं बने। शुरू से उसे में डेवलप करना चाहते थे, लेकिन अलग दुनिया बनाई, बस अलग अपना चला गया, अपना अलग बन गया। चलिए, पिताजी के सपनों पर बेटा खरा उतरने का प्रयास किया, और ये बहुत बड़ी जीत है इनके, इनके मंसूबों की, इनके इज्जत की, इनके जो है मान प्रतिष्ठा की, और इनके सपनों की, ये बहुत बड़ी जीत है, और सच मायने में ये जीत बड़ी जीत है, और इस जीत से हम शायद शब्दों में ना बयां कर पाए, खुश है ना इस चीज से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब IAS का तैयारी करते रहिएगा, तो दोबारा फिर आने का सौभाग्य 100% मिलेगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। सिद्धांत है हमारे साथ, जिन्होंने BPSC में 5वीं रैंक हासिल किया पूरे बिहार में, ये इनके लिए भी गर्व का क्षण है, बिहार के लिए भी गर्व का क्षण है, हमारे लिए भी गर्व का क्षण है, पिताजी और चाचा और माताजी के लिए भी गर्व का क्षण है। धन्यवाद सभी दर्शकों का।